इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना से रांची और रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे ने नया रूट क्या जारी किया है, क्योंकि इस ट्रेन का संचालन अब तक तो हो रहा था पहले वाले रूट से, लेकिन 2 अगस्त के बाद से ही इस ट्रेन का रूट में परिवर्तन किया जाना, जो कि एक बड़ी अपडेट के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। रेलवे की तरफ से इस ट्रेन का संचालन रांची से पटना के बीच हो रहा था और पहले यह ट्रेन टाटी सिल्वे सांकी और बड़काकाना होकर चलती थी, लेकिन अब यह ट्रेन टाटी सिल्वे से मुड़ी और बड़काकाना होकर चलाई जाएगी। ट्रेन का रूट आज से बदल दिया गया है और यह फैसला सांकी और बड़काकाना के बीच पहाड़ी चट्टान गिरने के बाद लिया गया है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, जिस वजह से ट्रेन के संचालन में परेशानी होती। रेलवे की तरफ से इसीलिए इस ट्रेन का संचालन में परिवर्तन किया गया है। नोटिफिकेशन जारी के अनुसार यह ट्रेन 22349 के साथ चलती है, जिसके अनुसार पटना से रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगले आदेश तक दोनों ही दिशाओं में निर्धारित मार्ग टाटी सिल्वे सांकी बड़काकाना रूट पर नहीं चलेगी। 27 जून को पीएम के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और तब से लेकर यह ट्रेन इसी रूट पर चल रही थी, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से इस ट्रेन के रूट में डाइवर्ट किया गया है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के माध्यम से कई और जानकारी के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा इस ट्रेन की खास सुविधाओं के बारे में बात करें तो अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रेन दोबारा कब से अपने निर्धारित मार्ग पर चलेगी। इसके अलावा लिंक रैक विलम्ब होने के कारण भी रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 2:25 की बजाय 4:25 पर रवाना हुई। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से पटना के बीच की दूरी 5:50 में तय कर लेती है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के साथ साथ चेयर कार को 180 डिग्री रोटेट किया जा सकता है, जिसमें कि पैसेंजरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैमरे, फायर सेंसर और GPS आधारित अन्य टेक्नोलॉजी मौजूद है। आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।